বন্ধুগণ, আপনারা সবাই ডান সাইডে ফাঁকা আছে ওখানে এসে বসুন। अब सभी लोग जोरदार तालियों से आज संयुक्त मोर्चा के मंच पर हमारे आदरणीय कांग्रेस लीडर, हमारे पूर्व प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी आए हैं और ग्वालपुखर के सरजमीन में पहली बार आए हैं, तो आप लोग जबरदस्त तालियों से स्वागत करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ी देर के लिए कुछ बोलूंगी, उसके बाद राहुल गांधी जी अपना बात रखेंगे। आज जो एक शुभ अवसर पर और हमारे हिंदुओं के लिए चैत्र संक्रांति, कल के আমাদের পয়লা বৈশাখ বাংলার প্রথম দিন, আমরা আজ রাহুল গান্ধীকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি। हम लोग बहुत खुशनसीब है कि ग्वालपोखर में दुर्नीति के खिलाफ लड़ने के लिए और ग्वालपोखर के सरजमीन में आजादी लाने के लिए राहुल गांधी जी आए हैं। आप लोगों को तय करना पड़ेगा कि आप लोग जिस ढंग से नरेंद्र मोदी पूरे देश को तोड़ना चाहते हैं, आप उनके तरफ जाएंगे, ये आज मंच में जितने लोग जोड़ना चाहते हैं उनके तरफ जाएंगे, जोड़ने के तरफ जाएंगे, तो आप लोग इकट्ठा हो जाइए। आप लोगों को याद होगा, मुझे ये बात हमेशा याद आती है, मैं एक दिन विपरीत चौक से जा रही थी तो इमाद साहब मेरा गाड़ी रोका और मेरे को बुलाया, नीचे आओ। मैं नीचे आई तो पास में रब्बानी खड़ा था, तो बोला ये मेरा बेटा है, अलीगढ़ से पढ़ के आया है, राजनीति करना चाहता है, तो इनका भविष्य बना देना, इनको साथ देना। मैं बोला मैं कोशिश करूंगी। कहते कोशिश नहीं, वादा कर। मैंने कहा ठीक है, मैं वादा करती हूं। उसके बाद मैं जब एमपी बन गई, सांसद बन गई, रब्बानी यहां से कांग्रेस का टिकट मिला और यहां से विधायक बना, आप लोगों के दुआ से, आशीर्वाद से कांग्रेस का विधायक बना और टीएमसी में चला गया, फिर मंत्री भी बन गया। लेकिन आज जब भी मैं विपरीत चौक से गुजरती हूं, मुझे वो बात हमेशा याद आता है और मैं वो याद करके एक बार इमाद साहब को स्मरण करती हूँ और ये कहती हूँ कि इमाद साहब, मैं अपना वादा तो पूरा किया था, मैं रब्बानी को तो एमएलए बना दिया, ग्वालपुखर के लोग एमएलए बना दिया, लेकिन आपका बेटा बड़ा बेवफा निकला, वो गद्दारी किया इस लोगों के साथ, ग्वालपुखर के लोगों के साथ, बड़ी दुख की बात है। लेकिन आज नसीम एहसान डट के खड़ा है और लड़ रहा है। आज नसीम यहां के कैंडिडेट नहीं है, आप सब लोग नसीम एहसान हो और सब लोग नसीम एहसान बनके 22 तारीख को ये जंग आप लोग जीतना है और जीतने के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। बिल्कुल बेशक,
इंशाल्लाह जीतेंगे जीतेंगे, नसीम एहसानी जीतेंगे। आज मोदी जी आ रहे हैं और बोल रहे हैं सोनार बांग्ला करबो, बिल्कुल नहीं चाहिए। वो एक कहानी था ना, एक आदमी जो भी छूता था सोना बन जाता था, लेकिन वो छूते छूते ऐसा चीज छू लिया खाना, वो सोना बन गया, खा भी लिया, फिर पेट में पत्थर बन गया। हमारा भी वही होगा, नौकरी नहीं है। लॉकडाउन में इतने लोग परेशान थे, आप लोग जो बाहर खटने वाला है, पैदल आना पड़ा, मोदी जी का आंखों से एक बूंद पानी भी नहीं निकली। बोला था हम जॉब देंगे, नौकरी देंगे, कहाँ है? ममता दीदी ने बोला था, क्या बोली थी कि नौकरी मिलेगा, आज बोल रहा है खेला होवे। गरीबों को भविष्य लेके खेल कर रहे हैं। आज यहाँ पे एम्स अस्पताल होता तो यहाँ पे मरीजों को इलाज होता, लेकिन ये ममता बनर्जी और मोदी जी मिलके रायगंज से एम्स अस्पताल लेके चले गए कहाँ? कल्याणी। यहाँ के लोगों के साथ खेल करेंगे? देखिए मोदी जी और दीदी में कोई फर्क नहीं है, आपस में बड़ा दोस्ती है। आमने सामने दिखाते हैं हम कुश्ती लड़ रहे हैं, लेकिन आपस में दोस्ती है, जैसे विपरीत में दो भाइयों में दोस्ती है। एक टीएमसी का और दूसरा बीजेपी का। एक बोल रहा है तू खड़ा हो जा टीएमसी में, तू अगर सरकार आएगा टीएमसी वाला तो फिर तू मंत्री बन जाएगा दोबारा। दूसरा बोल रहा है जाएगा हमारे घर में तो मंत्री रहेगा, घर में सब कुछ होना चाहिए, पंचायत का प्रधान घर में, पंचायत समिति घर पे चाहिए, कर्माध्यक्ष घर पे चाहिए। अगर घर में उनके घर में 9 वोट है, 4 बीजेपी को देने वाला, 4 कांग्रेस को देने वाला, लेकिन एक वोट है, 4 और 4 मिला के कितना हुआ? 8। तो एक वोट है जो इमाम साहब की बीबी का वोट है, और वो नसीम को मिलने वाला है हाथ छत। माँ का वोट, अगर माँ का वोट हाथ पे आ रहा है संयुक्त तो मोर्चा के साथ देने वाला नसीम को, तो ग्वालपुखुर के माए और बहने इस बार अगर रब्बानी साड़ी देने आए तो वो साड़ी ले लीजिएगा, वही साड़ी 22 तारीख को पहन भी लीजिएगा, और चुनाव केंद्र में जाके नसीम एहसान को हाथ छाप पर वोट दे के वापस आइएगा, यही जवाब होगा। बहुत चोरी किए हैं, बहुत पैसा लूटे हैं, एक सर्टिफिकेट देने के लिए पैसा, एक कोई इंसाफ करने जाओ तो पैसा, और थाना के बाद तो छोड़ ही दीजिए, थाना में जाइएगा तो बोलिएगा विपरीत से फोन कराओ तभी इंसाफ मिलेगा। ये विपरीत राज हम लोग आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा, और शांति रखने के लिए आज आप बोलिए तो मैं भी तो यहां से विधायक थी, आप लोगों के इतना ICDS का नौकरी दिए थी, कोई भी एक शख्स खड़ा होकर कह सकता है कि दीपा दास मुंशी किसी से चाय पीने के लिए भी 1 रुपया लिया? कोई नहीं बोल सकता। यही हमारा गर्व है, हम सम्मान के साथ कहते हैं कि हम कांग्रेस करते हैं, कांग्रेस सिखाए हैं। मेरे पास भी बहुत बीजेपी वाले आए थे कि आप हमारे तरफ आ जाओ, मैंने बोला देखिए आप लोग पैसों का लालच दिखा के हमारे पास अगर आए हैं तो सुन लीजिए, जिस राह में हम राजवंशी परिवार चल रहे हैं वो गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी का राह पर हम लोग चल रहे हैं, और उस राह से, उस आदर्श से, उस नीति से हम लोग बिकने वाला नहीं है। अगर बिकने वाला कोई है तो उनकी तरफ जाइए, हम बिकने वाला नहीं है, क्योंकि आखिरी दिन कयामत के दिन अगर हमें पूछा जाएगा तो हमें जवाब देना पड़ेगा कि मैं ईमानदार हूँ, मैं किसी के पास पैसों से बिका हूँ। आप लोग भी डरिए नहीं, आप लोगों के साथ मैं जैसे पहले थी वैसे दोबारा आने की कोशिश करूंगी, क्योंकि परिवार में बहुत काम हो जाता है, पर बेटा बाहर है पढ़ाई करता है, अभी पढ़ाई खत्म होने वाला है तो जरूर मैं थोड़ा टाइम दे पाऊंगी, मैं आऊंगी। लेकिन आप लोग इस बार ये साबित कर दीजिए कि ग्वालपुखुर का सरजमीन कांग्रेस का,
याद रखिएगा राहुल जी, यहाँ हम लोग जो चावल खाते हैं उनको बंगाली में हम बोलते हैं भात। तो ये हम एक स्लोगन बनाए हैं, खाने के समय भात और वोट के समय हाथ, याद रहेगा ना? बिल्कुल जुल्म के खिलाफ। दिन कभी हो नहीं सकता। एक तरफ हमारे पुण्य रमजान का पहला रोजा, दूसरे तरफ बंगाली चैत्र संक्रांति और फिर अंबेडकर का जन्मदिवस। तो जो हमारे सपना देखे थे आजादी लड़ने के समय हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने, कि हमारे देश में सभी लोग इकट्ठा रहेंगे, हिंदू मुसलमान सिख क्रिश्चियन, गांधी जी वही प्रार्थना गाते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। और एक दिन जब ऐसे ही प्रार्थना संगीत गा रहे थे तो नाथूराम गोडसे आके उनको बुलेट से मार दिया, गांधी जी निधन हो गए। हम लोग बापू जी बोलते थे, आज भी सबका दिल में गांधी जी है और गांधी जी रहेगा, क्योंकि ये बापू जी है हमारा सबका प्यारों और श्रद्धा के बापूजी। लेकिन आज बीजेपी सरकार आने के बाद नाथूराम गोडसे का पूजा हो रहा है। आप आज यहाँ पे बहुत हिंदू लोग आए हैं, आप लोग कहिए कि हम लोग जब कोई भगवान के चरणों में कमल के पूजा डालते हैं, हमरा अंजलि दी पद्म फूल दिए अंजलि दी मार पाए, लेकिन जो ब्राह्मण पुरोहित होता है वो उसमें चंदन का छीटा और गंगा जल लगा देते हैं, उसको शुद्ध कर देते हैं और फिर माई के चरणों में हम लोग डालते हैं। लेकिन वो जो बीजेपी का कमल है, नाथूराम गोडसे का कमल है, वो उस कमल में चंदन का छीटा नहीं है, पवित्र गंगा जल नहीं है, उसमें गांधी जी का खून है और वो खून भरा पर कमल कभी भी हमारे भारत माता स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए आज ऐसे हालत है, कोरोना एक महामारी है, ऊपर से हमारे सारे लोग जो बाहर काम करने गए थे वापस आ गए गांव में, कोई खाने का होटल खोल रहे, कोई छोटे मोटे दुकान खोल रहे हैं, कोई बिजनेस यहीं पे करके जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के राज में कहीं नौकरी नहीं है। लेकिन हमारे ममता दीदी के बंगाल में भी नौकरी नहीं है, इसीलिए तो आप खाटने गए थे बाहर। आज किसान अपना फसल का कीमत नहीं मिल रहा है उसको। सबके खिलाफ आवाज उठाइए और 22 तारीख हाथ छाप में वोट डालिए, नसीम हसन को जिताइए। और हमारे साथ संयुक्त मोर्चा का चोपड़ा, इस चोपड़ा से अनवारुल हक जो कैंडिडेट है CPIM का, हमारे इस्लामपुर का डॉक्टर सादिकुल इस्लाम कांग्रेस पार्टी का, और फिर हमारे मासूद, आप लोगों का सबका हरदिल अजीज नसीम तो है ही, और चकलिया से अली इमजान रम्स फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रार्थी है। सबको आप लोग जिताइएगा, क्योंकि इस जिला में अगर करप्शन के खिलाफ, दुर्नीति के खिलाफ, लुटेरा राज के खिलाफ आप लोगों को आज़ादी चाहिए तो संयुक्त तो मोर्चा को हर जगह पे जिताने की कोशिश कीजिए। या फिर से मैं याद दिलाना चाहती हूँ, खबर समय भात, भोटे समय हाथ, जय हिंद, वंदे मातरम, संयुक्त तो मोर्चा जिंदाबाद। अभी मैं मंच पे बुलाना चाहती हूँ हमारे सबके हरदिल अजीज राहुल गांधी जी को, जो केरल से, तमिलनाडु से, असम और पुंडिचेरी सारे जगह कैंपेन करने के बाद बंगाल में पहली बार आए हैं, और आए हैं तो ग्वालपोखर में आए हैं। इसलिए आप लोगों इनको स्वागत तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन साथ के साथ इनको मर्यादा भी रखिएगा हाथ छाप पर उनको जिताकर। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी
राहुल गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जातीय कांग्रेस जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी। अभी आपके सामने हमारे राज्यसभा के सांसद प्रदीप भट्टाचार्य जी बोलेंगे। थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये दो मिनट। आमादे सकले परम श्रद्धेय राहुल गांधी जी, तिनी अनेक दिन पर सम्भवतः प्रथम बार गोवालपुकुरे एसेछेन, आपनारा सकले हाथ ताली दिए ताके अभिनंदन जानान। एकटु आगे दीपा दासमुंशी सुंदर भावे आपनादेर काछे बक्तव्य रेखेछेन। आपनादेर काछे, प्रिय बंधुदेर काछे, भाई एवं बोनेदेर काछे आमि शुधु कयेकटि कथा निवेदन करब। আমি জানি রাহুলজি অপেক্ষা করছেন, আপনারা রাহুলজির বক্তৃতা শুনবেন। তো আমি আপনাদের কাছে প্রথমেই একটি কথা বলবো, আপনারা কেউ ঘাবড়াবেন না, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না। গোলাম রব্বানীকে ভয় পাবার কিছু নেই। আপনারা রুখে দাঁড়ান, দেখুন ও পালিয়ে যাবে, ও আপনাদের ধারে কাছে আসবে না। আপনারা আজকের দিনে শপথ নিন, রমজানের প্রথম দিন, অত্যন্ত পবিত্র দিন। আগামী কাল বাংলা নববর্ষ, আমরা সবাই নতুন দিনটাকে পালন করি। আপনারা শপথ নিন, আগামী বাংলা নির্বাচনে 2021-এ 2 মে আমরা যেন শুনতে পাই গোয়ালপুকুর থেকে গোলাম রব্বানী অনেক ভোটে পিছিয়ে আছেন, তিনি পরাজিত হয়েছেন, কংগ্রেস প্রার্থী জিতেছে, পাশের কনস্টিটিউয়েন্সি থেকে সিপিএম এর প্রার্থী জিতেছে। গোলাম রব্বানী কংগ্রেসে ছিলেন, আমি এম্পেরিয়া ডেভেলপমেন্ট ফান্ড থেকে রাজ্যসভার সাংসদ হিসাবে অনেক টাকা তাকে দিয়েছিলাম। আমি জানি না তিনি কি পারপাসে কিভাবে সেই টাকা খরচা করেছিলেন। হঠাৎ একদিন শুনলাম তিনি কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে চলে গেছেন। কিসের জন্য গেছেন, কিসের লোভে গেছেন? কেউ যদি মনে করে তৃণমূল কংগ্রেস চিরকাল বাংলার গদিতে থাকবে, আপনাদের কাছে আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই, তৃণমূল কংগ্রেসের দিন শেষ হয়ে আসছে। আগামী দিন সংযুক্ত মোর্চার দিন, সুতরাং আমাদের সেই কথা মনে রাখতে হবে। এই আবেদন আপনাদের কাছে রাখছি। আমার শেষ কথা, আমাদের বেকার যুবকদের চাকরি দেবার জন্য, আগামী প্রজন্মের জন্য আপনারা সংযুক্ত মোর্চাকে দিন। কংগ্রেস, বামফ্রন্ট, আইএফএসএ, এই সংযুক্ত শক্তিকে আপনারা সাহায্য করুন। এই আহ্বান জানিয়ে সকলকে আমার শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনকলাব জিন্দাবাদ, বন্দে মাতরম, জয় হিন্দ। मैं अभी अनुरोध करता हूँ, हम सबके नेता श्री राहुल गांधी जी दिल्ली से आए हैं, वो आके आपको संबोधित करें। बीके हरिप्रसाद जी, दीपा दास मुंशी जी, प्रदीप भट्टाचार्य जी, हमारे कैंडिडेट्स मसूद मोहम्मद नासिम एहसान जी, डॉक्टर सदिकुल जी, अनवरुल हाक जी, सीपीएम के कैंडिडेट,
अली इमरान रम्ज जी फॉरवर्ड ब्लॉक के कैंडिडेट, स्टेज पे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के गठबंधन के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। गर्मी में आप मेरी बात सुनने आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। असेंबली के चुनाव चल रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों में ये चुनाव हो रहे हैं, असम में, केरल में, बंगाल में, तमिलनाडु में, और इससे पहले मेरे इन प्रदेशों में दौरे हुए। तमिलनाडु में, असम में जब मैंने लोगों से पूछा कि आपको क्या लगता है, उन्होंने मुझे बताया कि पहली बार हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे इतिहास पे, भाषा पे, हिस्ट्री पे आक्रमण हो रहा है। जो विचारधारा बीजेपी बंगाल में फैलाने की कोशिश कर रही है, वही विचारधारा असम में फैला रही है, और एआईडीएमके के माध्यम से वही विचारधारा तमिलनाडु में फैला रही है। नफरत और हिंसा, इनके पास और कुछ है ही नहीं, ये बंगाल को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, और बंगालियों के बीच में जो भाईचारा है उसको खत्म करना चाहते हैं। यही असम में कर रहे हैं, यही तमिलनाडु में कर रहे हैं, और इसका नतीजा खराब होगा, इनको कुछ नहीं होने वाला। नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, इनको कुछ नहीं होने वाला है। ये प्रधानमंत्री के घर में बैठे हैं, इनके पूरे बॉडीगार्ड्स हैं, इनकी पूरी रक्षा होती है, इनको कुछ नहीं होने वाला। आग लगेगी तो यहां लगेगी। नरेंद्र मोदी नहीं चलेगा, अमित शाह नहीं चलेगा, अमित शाह के बेटे को कुछ नहीं होने वाला, बंगाल जलेगा, बंगाल की माताएं और बहनें रोएंगी, ये होगा। क्योंकि एक बार इन्होंने बंगाल को बांट दिया, फिर बंगाल में आग लगेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है, और ऐसी आग लगेगी कि बंगाल में उसको पहले किसी ने नहीं देखा होगा। तो हम यहां चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम बंगाल के इतिहास की, हिस्ट्री की, भविष्य की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए मैं यहां आया हूं। मैं यहां चुनाव में भाषण करने नहीं आया हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर बंगाल बट गया तो सबसे ज्यादा नुकसान
बंगाल की जनता को होगा, बंगाल के भविष्य को होगा। अब आप देखिए, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में आग लगाई, उसके बल पर वो चुनाव जीते। हुआ ये, आग लगाई, चुनाव जीते, और उसके बाद क्या हुआ? आज जाइए उत्तर प्रदेश, जाइए देखिए, मजा देखिए वहां पे। कोरोना आता है, अस्पताल लाशों से भरे हुए हैं, जहां भी देखो। लोग कोरोना से मर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर कोई समझ नहीं। कोई समझ नहीं। विकास की बात करो, कुछ नहीं हुआ। 8 बजे रात को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री टीवी पे आते हैं, कहते हैं भाइयों और बहनों, मुझे 500 रुपए 1000 रुपए का नोट अच्छा नहीं लगा, मैंने उसको रद्द कर दिया, खत्म कर दिया उसको। काले धन के खिलाफ लड़ाई है, कर दी काले धन के खिलाफ लड़ाई। लाखों लोग बर्बाद हो गए। किसानों के घर में जो थोड़ा सा पैसा था वो खत्म हो गया। आपको कहा लाइन में खड़े हो जाओ, बैंक में जाओ, अपना पैसा डालो, बैंक में पैसा रखो। हिंदुस्तान के सब लोगों ने किया। लाइन में मोदी जी दिखे आपको? खड़े थे क्या? खड़े थे? लाखों रुपए का सूट पहनते हैं, लाइन में क्यों नहीं खड़े थे? वो पैसा कहां से आता है? लाइन में सबको खड़ा कर दिया, आपके जेब में से पैसा निकाल दिया, उनके 2-3 उद्योगपतियों मित्रों को दे दिया, और फिर कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई चल रही है। उसके बाद जीएसटी लागू की, 5 अलग अलग जीएसटी, 28% टैक्स, छोटे दुकानदारों पर टैक्स, स्मॉल मीडियम बिजनेस पर टैक्स, किसान पर टैक्स। आज तक छोटे दुकानदारों को जीएसटी नहीं समझ आई। आप जाइए किसी से भी पूछ लीजिए, किसी गरीब आदमी से पूछिए, अमीर से मत पूछिए, किसी भी गरीब आदमी से पूछिए, नोटबंदी से आपका फायदा हुआ? हाथ जोड़ के कहेगा नहीं हुआ। हुआ? किसी का हुआ यहां पे नोटबंदी से फायदा? जीएसटी से किसी का हुआ फायदा? नहीं। टैक्स कहां जाता है? वही 5-10 मित्र हैं नरेंद्र मोदी के, उनके पास जाता है। कोरोना आता है, यहां के लोग बाकी देश में जाते हैं काम ढूंढने, लाखों लोग जाते हैं ना यहां से, यहां तो आपको काम नहीं मिलता, ना मोदी जी देते हैं ना ममता जी देते हैं, और जो थोड़ा सा मिलता है उसके लिए आपको पहले पैसा देना पड़ता है। कट मनी, पहला प्रदेश है जहां रोजगार लेने के लिए पहले डिपॉजिट देना पड़ता है। पहले डिपॉजिट दो, फिर पता नहीं शायद मिले ना मिले, जेब में से पैसा तो निकलेगा, ममता जी की देन है। कहती हैं
चुनाव के समय खेल होंगे। कैसा खेल? पहले आप यह समझाइए कि यहां की सड़क कौन बनाएगा। खेल खिलवाना है तो सड़क पे खेलेंगे ना। यहां कॉलेज यूनिवर्सिटी कौन लगाएगा? खेल खेलना है तो उसके मैदान में खेलेंगे, वो तो आप देती नहीं। तो ड्रामा चल रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कोरोना आता है, कहते हैं भैया थाली बजाओ। मतलब पता नहीं, बात समझ नहीं आती आज तक। थाली बजाओ, घंटी बजाओ, मोबाइल फोन की लाइट ऑन कर दो, कोरोना भाग जाएगा। ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। भाग गया कोरोना, भाग गया। मैंने पिछले साल फरवरी में कहा था कोरोना से जबरदस्त नुकसान होने वाला है। ये हमारे मीडिया के जो मित्र हैं, क्या ये आप बड़े होशियार हो, सब समझते हो आप लोग। खरीदा हुआ ये कहता है राहुल गांधी सबको डरा रहा है। ये खरीदे हुए लोग कहते हैं राहुल गांधी सबको डरा रहे हैं। और देखो क्या नुकसान हुआ। मोदी जी लॉकडाउन करते हैं बिना किसी से पूछे। मैं मजदूरों से मिला लॉकडाउन के समय, मिला कहते हैं, मैंने पूछा भैया बताओ क्या हुआ। मुझे कहते हैं देखिए राहुल जी, हमें एक बात समझ नहीं आई, इस आदमी ने लॉकडाउन किया, हमें एक दिन तक नहीं दिया। अगर एक दिन दे देते, दो दिन दे देते, हम घर चले जाते। इसने एक दिन नहीं दिया, इसने लॉकडाउन किया, हम सब बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, मर गए। इसने ये क्यों किया, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मैंने कहा मैं क्या जानूं, प्रधानमंत्री से पूछिए उन्होंने क्यों किया। मगर ये बता सकता हूं जिसमें अपने दिल में आपके लिए इतनी भी जगह होगी, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता है। वो मर जाएगा मगर ऐसा काम नहीं करेगा। और जब मजदूर हाथ जोड़ के कहते हैं भैया हमें बस का टिकट दिलवा दो, ट्रेन का टिकट दिलवा दो, वापस घर जाना चाहते हैं, बंगाल जाना चाहते हैं, तो सोनार बंगला वाला आदमी कहता है नहीं हम तुम्हें नहीं देंगे, एक रुपया नहीं देंगे, मर जाओ। और उनको पैदल चलना पड़ता है हजारों किलोमीटर। कोई भूखा मर रहा है, कोई कोरोना से मर रहा है, कोई फर्क नहीं।